अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद करती हूँ कि आप लोग सेहत और ईमान की बेहतरीन हालत में होंगे। आज हमारा लेक्चर नंबर 1 जो है स्टार्ट हो रहा है। हम आपको रिवीजन करवा रहे हैं ताकि आपके कॉन्सेप्ट्स जो है वो क्लियर हों। आपको रीडिंग करवाई जा रही है क्योंकि आपको जो पहले काम करवाया जा चुका है सारा व्हाट्सएप पे सेंड किया गया है, आपको उसको समझना और पढ़ना है और आपको पता चले कि आपने उसको किस तरीके से करना है। ठीक है, हमारा पढ़ाने का आपका मकसद यही है कि जो काम आपको पढ़ाया जा चुका है वो आपको करना है। ठीक है, तो इसमें जो है हम लोगों ने अपने यूनिट नंबर 1 से स्टार्ट लेना है, जिसका नाम है द लास्ट सर्मन ऑफ द रसूल हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। क्या मीनिंग है इसका? कि हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का आखिरी खुतबा। ठीक है, तो इसमें क्या है कि दावत और तबलीग का काम पूरा हो गया और अल्लाह की अलवहियत के अखबार इसके मासवा की अलवहियत की नफ़ी और मोहम्मद रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रिसालत की बुनियाद पर एक नए माशरे की तामीर और तश्कील अमल में आ गई। ठीक है, तो इससे क्या हुआ कि हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब अपने खुतबे का आगाज किया तो कैसे किया कि सब तारीफें अल्लाह ताला के लिए हैं, हम उसी की हमद और सना करते हैं और उसी से मदद और मगफरत चाहते हैं और उसी के सामने तौबा करते हैं और उसके दामन में अपने नफ्स की खराबियों और बुरे अमाल से पनाह चाहते हैं, जिसको अल्लाह ताला हिदायत दे उसे कोई गुमराह नहीं कर सकता। ठीक है, जिसको वो गुमराह कर दे उसे कोई हिदायत नहीं दे सकता। और मैं गवाही देता हूँ कि अल्लाह के सिवा कोई माबूद नहीं, वो अकेला है, इसका कोई शरीक नहीं। मैं ऐलान करता हूँ कि हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह का बंदा और रसूल है। ठीक है, बंदगाने खुदा, मैं तुम्हें अल्लाह से डरने की वसीयत करता हूँ और तुम्हें इसकी अताअत का हुक्म देता हूँ और अपने खुतबे का आगाज़ नेक बात से करता हूँ। लोगों सुनो, मैं तुम्हें वजाहत के साथ बताता हूँ क्योंकि शायद इसके बाद कभी तुमसे इस जगह ना मिल सकूँ। ठीक है, हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खुद अपने बारे में मुखातिब होकर कह रहे हैं कि शायद मैं तुम लोगों से इसके बाद दोबारा ना मिल सकूँ क्योंकि उनका आखिरी खुतबा था। ठीक है, तो हम इसका स्टार्ट करते हैं चैप्टर नंबर 1 से, उसके पैराग्राफ नंबर 1 से। तो उम्मीद करती हूँ आप लोगों ने अपनी बुक्स जो हैं अपने पास हाथों में रखी होंगी, आप साथ साथ इसके मीनिंग्स जो हैं लिखते जाएं। ठीक है, ताकि आपको इसको पढ़ने में आसानी हो। हाँ जी, हम स्टार्ट करेंगे। इस्लाम कवर्स ऑल द एस्पेक्ट्स ऑफ ह्यूमन लाइफ। इस्लाम इंसानी जिंदगी के तमाम पहलुओं का अहाता करता है। इट इज़ नॉट ओनली अ रिलीजन, ये ना सिर्फ एक मजहब है बल्कि आल्सो अ कम्प्लीट कोड ऑफ लाइफ, बल्कि एक मुकम्मल ज़ाब्ता हयात है। हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम इज़ द लास्ट रसूल ऑफ अल्लाह अलमाइटी। हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम अल्लाह ताला के आखिरी रसूल हैं। ठीक है, अब देखिए इसमें जो डिफ़िकल्ट वर्ड्स आ रहे हैं कवर्स, इसका मीनिंग क्या है? अहाता करना। नेक्स्ट वर्ड आ रहा है एस्पेक्ट, इसका क्या मीनिंग है? पहलू। ठीक है, उसके बाद देखिए नेक्स्ट वर्ड आ रहा है रिलीजन, इसका क्या मीनिंग है? मजहब। नेक्स्ट वर्ड है कंप्लीट कोड, मुकम्मल ज़ाब्ता ख्याल, कोड ऑफ लाइफ है, मुकम्मल ज़ाब्ता ख्याल। ठीक है, नेक्स्ट है एट द ओकेजन ऑफ परफॉर्मिंग हज, हज की अदायगी के मौका पर ही सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम डिलीवर्ड हिज लास्ट सर्मन ऑन 9th ज़िलहज 10 AH। हज की अदायगी के मौका पर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 9 ज़िलहज 10 हिजरी को अपना आखिरी खुतबा दिया। ठीक है, इसमें देखिए वर्ड आ रहा है ओकेजन, जिसका मीनिंग है मौका। उससे नेक्स्ट देखिए वर्ड आ रहा है सरमन, सरमन का मीनिंग क्या है? खुतबा।
ठीक है। नेक्स्ट देखें, ही सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम एड्रेस मोर देन 100,000 कंपेनियंस एंड एडवाइस देम। आप सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम ने 1,00,000 से ज़्यादा सहाबा से खताब फरमाया और उनको नसीहत फरमाई टू डिवोट देयर लाइफ फॉर द सर्विस ऑफ इस्लाम, कि वो अपनी जिंदगियां इस्लाम की खिदमत के लिए वक्फ कर दें, सो दैट दे माइट गेन द ग्लोरी ऑफ अल्लाह ऑलमाइटी, ताकि वो अल्लाह ताला की खुशनुदी हासिल कर सकें। इसमें देखें जो डिफिकल्ट वर्ड आ रहा है एड्रेस, उसका क्या मीनिंग है? खुतबा दिया, ठीक है। नेक्स्ट वर्ड है डिवोट, डिवोट का मीनिंग है वक्फ करना। उससे देखें नेक्स्ट वर्ड आ रहा है सर्विस, सर्विस का मीनिंग क्या है? खिदमत। उससे नेक्स्ट वर्ड है गेन, गेन का मीनिंग है हासिल करना। उससे नेक्स्ट वर्ड देखें आ रहा है ग्लोरी, ग्लोरी का मीनिंग क्या है? खुशनुदी, यानी अल्लाह ताला की खुशनुदी हासिल करना, ठीक है। उसके बाद है ही सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम टोट हाउ टू लीड देयर लाइफ अकॉर्डिंग टू द ट्रू स्पिरिट ऑफ इस्लाम। आप सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम ने उनको तालीम दी कि अपनी जिंदगियां इस्लाम की हकीकी रूह के मुताबिक किस तरह बसर करें, ठीक है। इसमें वर्ड आ रहा है स्पिरिट, स्पिरिट का मीनिंग है रूह, स्पिरिट का क्या मीनिंग है? रूह। उसके बाद है इन द सरमन ही सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम गेव सच गाइडलाइंस टू द मुस्लिम्स एंड द इंटायर ह्यूमैनिटी। खुतबे में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुसलमानों और तमाम हुए इंसान को ऐसे रहनुमा उसूल दिए दैट एम टू इम्प्रूव देयर सोशल मॉरल पर्सनल एंड पॉलिटिकल लाइफ, जिनका मकसद उनकी माशरती इखलाकी जाती और सियासी जिंदगी को बेहतर बनाना था। हेयर इज द एक्सट्रैक्ट फ्रॉम द समन, यहाँ पे जो है खुतबे का खुलासा यूं बयान किया जाता है, लेकिन उससे पहले जो है यहाँ पे जो है डिफिकल्ट वर्ड्स आ रहे हैं, हम उनके मीनिंग्स लिखेंगे। गाइडलाइन, गाइडलाइन का मीनिंग है रहनुमाई, ठीक है, गाइडलाइन का मीनिंग है रहनुमाई। नेक्स्ट वर्ड है मोरल, मोरल का मीनिंग क्या है? इखलाकी। उसके बाद है ह्यूमैनिटी, ह्यूमैनिटी में आ जाता है इंसान में, ठीक है। अब जो है वो अपने हम नेक्स्ट पैराग्राफ पे चलते हैं, पैराग्राफ नंबर 2 का स्टार्ट करते हैं। ऑल प्रेज इज ड्यू टू अल्लाह, तमाम तारीफें जो हैं वो अल्लाह ताला के लिए हैं। सो वी प्रेज हिम, इसलिए हम उसकी हमद और सना करते हैं। एंड सीक हिज पार्डन एंड वी टर्न टू हिम, और उससे मगफरत तलब करते हैं और उसकी तरफ रुजू करते हैं, ठीक है। इसमें देखें जो डिफिकल्ट वर्ड आ रहा है प्रेज, प्रेज का मीनिंग क्या है? तारीफ। उससे नेक्स्ट वर्ड जो है वो है सीक, सीक का मीनिंग है मांगना। ठीक है, उससे नेक्स्ट वर्ड जो आ रहा है वो है पार्डन, पार्डन का मीनिंग है रहम या मगफरत, ठीक है। उससे नेक्स्ट वर्ड आ रहा है, नेक्स्ट हम करेंगे वी सीक रिफ्यूज विद अल्लाह फ्रॉम द इवल्स ऑफ आवर सेल्फ एंड फ्रॉम द इवल कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ
योर डीड्स। हम अल्लाह ताला की अपने नफ्स की बुराइयों और अपने अमाल के बुरे नतीजे से पनाह मांगते हैं, होम अल्लाह गाइड्स अ राइट, जिसमें अल्लाह ताला की सही रहनुमाई करता है। देयर इज नन टू लीड हिम एस्ट्रे, उसको कोई गुमराह नहीं कर सकता। आई बेयर विटनेस दैट देयर इज नो गॉड बट अल्लाह, मैं शहादत देता हूँ कि अल्लाह के सिवा कोई मबूद नहीं। द वन हैविंग नो पार्टनर विद हिम, और इसका कोई शरीक नहीं। हिज इज द सोवरेनिटी एंड टू हिम इज ड्यू ऑल प्रेज, असल हाकमियत उसी की है और तमाम तारीफें उसी के लिए हैं। ही ग्रांट्स लाइफ एंड कॉजेज डेथ, वो जिंदगी अता करता है और मौत देता है। एंड इज पावरफुल ऑल ओवर एवरीथिंग, और वो हर चीज पर कादिर है। ठीक है, अब देखें इसके अंदर जो है वो जो डिफिकल्ट वर्ड्स आ रहे हैं उसमें है रिफ्यूज। रिफ्यूज का मीनिंग है पनाह। ठीक है, उससे नेक्स्ट वर्ड जो आ रहा है ईवल। ईवल क्या है? बुराई। उसके बाद देखें कॉन्सिक्वेंसेस हैं। कॉन्सिक्वेंसेस का मीनिंग है नताइज। ठीक है, उससे नेक्स्ट वर्ड देखें आ रहा है पार्टनर। पार्टनर का मीनिंग क्या है? साथी। ठीक है, कि अल्लाह का कोई शरीक या साथी नहीं है। उससे नेक्स्ट वर्ड है सोवरेनिटी, जिसका मीनिंग है खुद मुख्तारी। ठीक है, उससे नेक्स्ट वर्ड है ग्रांट, जिसका मीनिंग है अता करना। ठीक है, नेक्स्ट हम स्टार्ट करते हैं। देयर इज नो गॉड बट अल्लाह, अल्लाह के सिवा कोई मबूद नहीं। द वन, वो अकेला है। ही फुलफिल्ड हिज प्रोमिस, उसने अपना वादा पूरा किया। एंड ग्रांटेड विक्ट्री टू हिज बॉन्ड्समैन, और अपने बंदे को फतह अता की। एंड ही अलोन रूटेड द कॉन्फेडरेट्स ऑफ द एनिमीज ऑफ इस्लाम, और उसने तन्हा इस्लाम के दुश्मनों के मुतहिदा लश्कर को शिकस्त दी। ठीक है, अब देखें इसमें नेक्स्ट वर्ड जो आ रहा है वो है फुलफिल्ड। जिसका मीनिंग है पूरा करना, पूरा किया। ठीक है, उससे नेक्स्ट वर्ड है प्रोमिस। प्रोमिस है वादा। उससे नेक्स्ट वर्ड है विक्ट्री। विक्ट्री है फतह। ठीक है, उसके बाद है कॉन्फेडरेट। कॉन्फेडरेट का मीनिंग है मुतहिदा लश्कर। ठीक है, उसके बाद वर्ड आ रहा है एनिमीज, और एनिमीज का मीनिंग है दुश्मन। ठीक है, उसके बाद हम चलते हैं पैराग्राफ नंबर 3 पे, जो कि स्टार्ट हो रहा है ओ पीपल, ए लोगो, लिसन टू माई वर्ड्स, मेरे अल्फाज को गौर से सुनो। फॉर आई डू नॉट नो वेदर वी शैल एवर मीट अगेन एंड परफॉर्म हज आफ्टर दिस ईयर, क्योंकि मैं नहीं जानता आया हम दोबारा कभी मिल सकेंगे और इस साल के बाद हज अदा कर सकेंगे। ओ पीपल, ए लोगो, अल्लाह सेज, अल्लाह फरमाता है, वी क्रिएटेड यू फ्रॉम वन मेल एंड वन फीमेल, हमने तुमको एक मर्द और एक औरत से पैदा किया।
एंड मेड यू इनटू ट्राइब्स एंड नेशंस, और तुम्हारे कबीले और कौमें बनाई, सो एज टू बी नोन टू वन एंड अदर, ताकि तुम एक दूसरे को पहचान सको. वेरीली इन द साइट ऑफ अल्लाह, बिला शुबा तुम में से अल्लाह की नजर में द मोस्ट ऑनर्ड अमंग अस यू इज द वन हु इज मोस्ट गॉड फेयरिंग. बिला शुबा तुम में से अल्लाह की नजर में सबसे ज्यादा मुअज़्ज़िज़ वो है जो सबसे ज्यादा अल्लाह से डरता है. ठीक है, अब देखें इसमें वर्ड आ रहा है ट्राइब. ट्राइब का मीनिंग है कबीला. उससे नेक्स्ट वर्ड आ रहा है वेरीली. वेरीली का मीनिंग है बिला शुबा. ठीक है, उससे नेक्स्ट वर्ड आ रहा है ऑनर. ऑनर का मीनिंग है मुअज़्ज़िज़. ठीक है, उससे नेक्स्ट वर्ड है गॉड फेयरिंग. इसका मीनिंग है खुदा कोफी. ठीक है, नेक्स्ट स्टार्ट करते हैं. एन अरब हैज नो सुपीरियरिटी ओवर अ नॉन अरब. अरब को अजमी पर कोई बर्तरी हासिल नहीं. नॉर डज अ नॉन अरब हैज एनी सुपीरियरिटी ओवर एन अरब. और ना ही अजमी को अरबी पर कोई फोकियत हासिल है. आल्सो अ वाइट हैज नो सुपीरियरिटी ओवर अ ब्लैक. इसी तरह एक गोरे को भी काले पर कोई बर्तरी नहीं. नोर ओवर अ ब्लैक, नोर अ ब्लैक हैज एनी सुपीरियरिटी ओवर अ वाइट. और ना ही किसी काले को गोरे पर कोई फोकियत हासिल है. एक्सपेक्ट बाय पाइटी एंड गुड एक्शंस सिवाय तकवा और नेक अमल के. ठीक है, इसमें वर्ड आ रहा है सुपीरियरिटी, जिसका मीनिंग है बर्तरी. ठीक है, और नेक्स्ट वर्ड आ रहा है पार्टी, जिसका मीनिंग है तकवा. ठीक है, नेक्स्ट है लर्न दैट एवरी मुस्लिम इज अ ब्रदर टू एवरी मुस्लिम. जान लो कि हर मुसलमान दूसरे मुसलमान का भाई है. एंड दैट द मुस्लिम कॉन्स्टिट्यूट वन ब्रदरहुड. और ये कि मुसलमान भाईचारे को कायम करते हैं. नथिंग शैल बी लेजिटिमेट टू अ मुस्लिम. कोई चीज एक मुसलमान के लिए जायज नहीं होगी विच बिलोंग्स टू अ फेलो मुस्लिम, जो उसके किसी हम मुस्लिम की मलकियत हो. टू अनलेस इट वॉज गिवन फ्रीली एंड विलिंगली, जब तक कि वो उसे उसको आज़ादी से और रजामंदी से ना दे. ठीक है, डू नॉट देयर फॉर डू इनजस्टिस टू योर सेल्फ, इसलिए खुद से ना इंसाफी ना करो. ठीक है, इसमें देखें वर्ड आ रहा है कॉन्स्टिट्यूट. कॉन्स्टिट्यूट का मीनिंग है तश्कील देना. ठीक है, उससे नेक्स्ट वर्ड आ रहा है लेजिटिमेट, जिसका मीनिंग है हकदार. नेक्स्ट वर्ड आ रहा है विलिंगली, रजामंदी. उससे नेक्स्ट वर्ड है इनजस्टिस, जिसका मीनिंग है ना इंसाफी. ठीक है, यहाँ पे हमारी जो है ट्रांसलेशन कंप्लीट हो रही है. ठीक है, तो उम्मीद करती हूँ कि आप लोगों को इसकी समझ आ गई होगी. ये वीडियो जो है 24 आवर जो है YouTube पे मौजूद रहेगी, उसके बाद इसको रिमूव कर दिया जाएगा. तो
तो आप लोगों ने जो है स्कूल से अपनी असेसमेंट शीट्स जो हैं वो आपके स्कूल में डिलीवर कर दी गई हैं। आप लोगों ने उनको रिसीव करना है और बाद में आप लोगों ने इस लेक्चर को सुनते हुए उनको सॉल्व करने की ट्राई करनी है, ठीक है। जिस चीज़ की आपको समझ नहीं आएगी नेक्स्ट डे ऑनलाइन होम स्कूलिंग में हम लोग उसको डिस्कस करेंगे, और आप जिस चीज़ की भी आपको समझ नहीं आती आप अपने टीचर से पूछ सकते हैं। थैंक यू।